नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अब नहीं बढ़ेगी आपके लोन की ईएमआई। आरबीआई ने लगातार सातवीं बार रेपो रेट में नहीं किया है कोई बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के नतीजों का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी इन दरों को जो है 6.5% पर स्थिर रखा गया। इसका मतलब यह है कि आपकी जो ईएमआई जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। वही बैठक में मौजूद यहाँ पर मौजूदा 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट को यथावत रखने की बात यहाँ पर कही है। वही आरबीआई ने रेपो रेट में आखिरी बार जो है बीते साल 8 फरवरी 2023 को जो है इजाफा किया था। तब से जो है आरबीआई से जो है 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% बढ़ाकर 6.5% यहाँ पर किया था। तब से लगातार 6 यहाँ पर एमपीसी की बैठक में कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया, यथावत से रखा गया है। इस बार भी पहले से ही यहाँ पर इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही थी। वही रेपो रेट के साथ ही रिजर्व बैंक ने जो रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% पर स्थिर रखा है। वही एमएसएफ रेट जो है बैंक रेट जो है 6.75% पर बरकरार है, जबकि एसटीएफ रेट जो है वो 6.25% पर स्थिर है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला देखिए, पूरे राज्य में हुक्का पर लगाया है बैन। कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते पूरे राज्यों में युवाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हुक्के पर जो है राज्यव्यापी प्रतिबंध की घोषणा की है। ये फैसला जो है डब्ल्यूएचओ ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे 2016-17 के चौंकाने वाले डेटा को देखने के बाद लिया गया। इस सर्वे में कहा गया कि कर्नाटक में 22.8% जो व्यक्ति जो है तम्बाकू का उपयोग करते हैं, जिसमें 8.8% धूम्रपान करने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार 23.9% वयस्क जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के संपर्क में आते हैं, जो राज्य में तम्बाकू के सेवन के व्यापक खतरों को दिखाता है। वही कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री जो है दिनेश गुंडूराव, उन्होंने जो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं युवाओं की सुरक्षा के लिए उकाबार पर राज्यव्यापी प्रतिबंध की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उकाबार धूम्रपान से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर निर्णायक कार्रवाई की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने यूजर्स को दिया है बड़ा झटका, अगर पासवर्ड शेयर किए तो लगेंगे पैसे। लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से यूजर्स के लिए बड़े बदलाव जो है वो पासवर्ड शेयरिंग को लेकर किया जा रहा है। दरअसल नेटफ्लिक्स के बाद अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने भी बड़ा कदम उठाया। दरअसल पासवर्ड शेयर करने वाले यूजर्स को अलग से भुगतान जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार को जो है वो करना होगा। वही आसान भाषा में समझे तो किसी और के अकाउंट से कंटेंट देखने का विकल्प अब नहीं मिलेगा। दरअसल डिज्नी प्लस के जो चीफ जो है उन्होंने जो है बताया है कि अब यूजर्स को पासवर्ड शेयरिंग के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना होगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई यूजर्स प्लान में अपने घर के अलावा किसी अन्य को ऐड करना चाहता है तो विकल्प भी अतिरिक्त भुगतान करते हुए यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल एक अकाउंट केवल एक अकाउंट में एक ही घर में जो है इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। वही पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगाने की शुरुआत सबसे पहले नेटफ्लिक्स की ओर से यहाँ पर की गई थी। दरअसल ढेरों यूजर्स जो है खुद का सब्सक्रिप्शन लेने के बजाय किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के अकाउंट से कंटेंट देख लेते थे और प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू को भारी इसमें नुकसान हो रहा था। अब किसी भी एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ अकाउंट शेयर करने की स्थिति में जो है 660 रुपये का अतिरिक्त फीस का भुगतान जो है वो यहाँ पर किया मतलब उसको जो है लगेगा। वही डिज्नी प्लस से हॉटस्टार में जो फिलहाल ये बदलाव जो है कुछ यूजर्स के लिए यहाँ पर हुआ है। दरअसल ये जो पासवर्ड शेयरिंग की स्थिति कितने अधिक भुगतान करना होगा तो बता दें आपको कि इस साल जो है कंपनी ने अपनी शर्तों में बदलाव किया। नए ग्राहकों की शर्तें 25 जनवरी को लागू हो गई है। वही मौजूदा सब्सक्राइबर्स के लिए बदलाव की शुरुआत जो है अगले महीने 15 मार्च से होगी, यानी 15 मार्च से जो है इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के बजट में बदला सरकार ने किया है कई बड़े ऐलान। बिजली मुफ्त महिला बुजुर्गों को भी दिया गया है तोहफा। राजस्थान में बदला सरकार ने अपना पहला बजट जो है कल पेश कर दिया है। वित्त मंत्री डिप्टी सीएम जो है दिया कुमारी उन्होंने बजट पेश किया। भाई 22 साल बाद राजस्थान में किसी वित्त मंत्री ने बजट पेश करने को यहां पर किसी वित्त मंत्री को बजट पेश करने का मौका मिला है।
वही 2003 के बाद मुख्यमंत्री खुद ही यहाँ पर बजट पेश कर रहे हैं। राजस्थान के वित्त मंत्री जो है दिया कुमार, उन्होंने बृहस्पतिवार को विधानसभा में लेखा अनुदान या फिर अंतिम बजट जो है वो पेश जो है वो किया। इसमें 7000 पदों पर भर्तियां करने और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने और 1,00,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की बात यहाँ पर कही गई है। वह जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1,00,000 रुपए का सेविंग बॉन्ड देने की भी घोषणा यहाँ पर की गई थी। वही पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आई बीजेपी सरकार का ये पहला अंतरिम बजट था। वही उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में राज्य में एक जहां विपरीत वित्तीय स्थिति में राज्य आ गया है, तो वही दूसरी ओर गलत नीतियां और भ्रष्टाचार, लाचार कानून व्यवस्था और कुशासन और तुष्टिकरण के कारण प्रदेश का विकास की गति भी मंद हुई है।